अस्सलामुअलैकुम बेटा। वालेकुम सलाम। वालिदा और बाबा कहाँ हैं तुम्हारे? दादी है मेरी। कौन है आप और क्या चाहिए? मेहमान हैं हम बेटा, दादी से कहो मेहमान आए। दादी। हाँ। बाहर कुछ आदमी आए हैं, कहते हैं मेहमान हैं। उन्हें इंतजार मत करवाओ, आने दो बेटा। अस्सलाम वालेकुम मामा जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ बैठो। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। कौन हो, कहां से आए हो और कहां जाने का इरादा है? अल्लाह ने भेजा है और उसी के पास जाना है। एक मुसाफिर हूं मैं। बेटा मेहमान की तवाजो करो, जाओ जल्दी दूध लेकर आओ। बहुत शुक्रिया। मैं यहां से गुजर रहा था कि आपके पोते पर नजर पड़ी, तो देखने चला आया। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत शुक्र और कनात होती है। एक उम्र गुजार दी मैंने, ना तो किसी अमीर को शिकमसीर देखा और ना ही किसी गरीब को भूखा। हमारे पास कुछ जानवर हैं और एक जमीन का छोटा टुकड़ा। हम उगाते हैं और खाते हैं। दुनिया की दौलत से कोई मतलब नहीं। मेरे सजदे में दुआ सिर्फ और सिर्फ अर्तुरुल सरदार के लिए होती है। अल्लाह उन्हें हमारे सरों पे सलामत रखे। वो सरदार आला बन के हमारी रिवायात की हिफाजत करते रहे, और कुछ नहीं चाहिए। अर्तुरुल सरदार को आप जानती हैं? अगर देख भी लूं तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं पहचान पाऊंगी। आप अर्तुरुल सरदार से मदद क्यों नहीं तलब करती? उन्हें अपने हालात बताइए, बताइए कि एक पोता है, खेमे में एक बीमार मेहमान भी है, जो उम्मीद से है। ये सब क्यों नहीं बताती आप? उन्हें मैं अपनी परेशानी बता के और परेशान क्यों करूं? बहुत से गरीब हैं जो हमसे भी बहुत ज्यादा मजबूर और लाचार हैं। बहुत शुक्र है अल्लाह का कि हम पका सकते हैं और खा सकते हैं जब तक हमारे अर्तुरुल सरदार हयात हैं। जब तक आप जैसी दुआएं देने वाली माओं का साया सर पर मौजूद है, अर्तुरुल सरदार को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। हमने आपका खूबसूरत चेहरा देखा, आपने मेहमान नवाजी की, लेकिन अब इजाजत चाहूंगा। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? और क्या तुम जानते हो अर्तुरुल सरदार को? मैंने उन्हें देखा है अम्मा जी। तुम्हारा रास्ता और मुस्तकबिल रोशन हो। अगर दोबारा उनसे मिलो तो उन्हें बताना कि काराजव उस कबीले के एक पुराने खेमे में एक तुर्क अम्मा को देखा था, और बताना कि मैंने दुआ दी है। अल्लाह मेरी उम्र को कम कर दे और उनकी उम्र को दराज कर दे। जरूर कहूंगा, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए अम्मा जी। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ये लीजिए भाई,
ये लो मेरे बेटे। नहीं ले सकता। आप क्यों दे रहे हैं ये मुझे? तुम्हें ये देना मेरा फरीजा है और ये तुम्हारा हक भी है। बिल्कुल बेफिक्र होकर ये ले सकते हो तुम। अल्लाह आपसे राजी हो। आपने मुझे खुशी दी है, अल्लाह ताला आपके बच्चों को खुशियां दे। आमीन बेटा, आमीन। ऐसे बहादुर मुजाहिदों की वजह से और दुआएं देने वाली माओं की वजह से यह सरजमीन बाकी है। जालिम इस सरजमीन को हासिल नहीं कर पाएंगे। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह भाई। सिपाहियों से कहो जो कुछ हमारे पास है सब बांट दें। जो हुक्म आपका। तलवारों को जंग लग सकता है, रेवड़ खत्म हो सकते हैं अब्दुर्रहमान, लेकिन मजलूम के दिल से निकली हुई दुआ इतनी मकबूल होती है कि हमें और हमारी नस्लों को भी मजबूत कर सकती है। ठीक कहा आपने भाई, बेशक।